लक्ष्मण ने खड़े किए कोहली पर सवाल, कहा उनके फैसले की वजह से हार रहा है भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड से सर्वनाक हार के बाद भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण ने कोहली की कप्तानी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों जानेंगे कि आखिर लक्ष्मण ने कोहली की कप्तानी को लेकर ऐसा क्या कहा है, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं रोहित शर्मा की टीम में जल्द वापसी हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड दौरे पर विराट कोहली का बल्ला तो खामोश है ही, वहीं अब टेस्ट सीरीज में उनकी कप्तानी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। पहले टेस्ट मैच में सर्वनाक हार के बाद विराट कोहली के फैसलों पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने सवाल खड़े कर दिए। लक्ष्मण ने कहा कि विराट कोहली ने मैच में बतौर कप्तान कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, टीम सऊदी का विकेट गिरने के बाद भारत ने न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर बनाने दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड को 100 रनों की भी बढ़त नहीं मिलेगी, लेकिन जेमिसन और कॉलिन डी ग्रैंडहोम की साझेदारी ने इस बढ़त को 183 रनों तक पहुंचा दिया। इस मैच में भारत की रणनीति आक्रामक नहीं दिखी। विराट कोहली ने जो फैसले लिए वो गलत रहे, खासकर जब उन्होंने दूसरी नई गेंद ली। वीवीएस लक्ष्मण ने विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल खड़े करते हुए कहा, मुझे लगता है कि विराट कोहली ने जिस तरह की फील्डिंग लगाई वो हालात के मुताबिक सही नहीं थी, खासकर नई गेंद के वक्त, क्योंकि जब आप विदेशी धरती पर खेल रहे होते हैं तो नई गेंद काफी गहरा असर डालती है, और नई गेंद मिलते ही विराट ने 4 ओवर के अंदर ही आर अश्विन को अटैक पर ले आए, जबकि कोहली के पास 3 तेज गेंदबाज मौजूद थे और ऐसी उम्मीद थी कि वो पुछल्ले बल्लेबाजों को समेट देंगे, लेकिन विराट कोहली ये फैसला लेने में चूक गए। इसकी वजह से भारत को मैच से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली सिर्फ कप्तानी के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि बल्लेबाज के तौर पर भी विफल रहे हैं। वनडे और T20 सीरीज के बाद पहले टेस्ट की दोनों पारियों में भी कोहली का बल्ला नहीं चला। विराट कोहली पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 19 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड दौरे पर विराट कोहली सिर्फ 1 अर्धशतक लगा सके हैं। बता दें विराट कोहली ने पिछली 20 इंटरनेशनल पारियों से शतक नहीं लगाया है, जो उनके करियर का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे पहले विराट कोहली 2014 में 25 इंटरनेशनल पारियों में शतक नहीं लगा पाए थे। 2011 में भी उनके शतकों का सूखा 24 पारियों तक चला था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विराट रोहित के बिना जब कप्तानी करते हैं तो गलत फैसले लेते हैं जिससे टीम इंडिया हार जाती है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।